साहब से मुतल्लिक ही हमारी एक बात है। आज इन्होंने चंद दिन पहले पूरी जर्नलिस्ट बरादरी को का दामाद बना दिया इमरान खान को। इनका ये कहना था कि वो आपका दामाद लगता है कि आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करते। हम सब यहाँ पे अपना रिस्क कमाने आते हैं। आपका सारा जो बयानिया है वो हम बयान करते हैं। आपकी हर बात जो शायद हमें अच्छी लगती है या नहीं लगती, हम उसको अवाम तक पहुंचाते हैं। दानियाल अजीज चौधरी मेरे जाती तौर पर दोस्त हैं, लेकिन जहां पे कम्युनिटी का मामला है हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये पर्सनली ऑन एयर हमसे माफी मांगे, वरना जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम इनसे यही सवाल उठाते रहेंगे जब तक ये माफी नहीं मांगते। ये कोई मुगल बादशाह नहीं है और ना हम इनके कमी है कि ये हमारी माओ बहनों का खामत बनाते रहे इमरान खान को। अगर हम गाली देने पे आ जाए तो दानियाल अजीज से ज्यादा गंदी गाली दे सकते हैं। ही शुड से सॉरी, अपना फिकरा पूरा करने के बाद ये कहे कि मैंने तो मीडिया को कहा था वो मैं माफी चाहता हूँ। और अगर ये नहीं कहेंगे तो दानियाल अजीज साहब आप सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा सकते हैं, आप अखबार पे पाबंदी लगा सकते हैं, मेरी जुबान पे आप ताला नहीं लगा सकते। अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। क्या आप सब मेरी बात को सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले मधु साहब मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर मेरी किसी भी बात से, नहीं नहीं वो बात जो आपने कही है, इस बात से आप कहें कि जो मैंने कहा है कि इमरान खान आपका दामाद लगता है, ये कहें जी कहें मकबूल। एक मिनट जी दे दिया। सबसे पहले बात ये है कि आप गाली को देख लीजिएगा, मेरे पास अभी दिखा दो सबको लाइव दिखाए। मौका तो देना, ऐसे तो ना करूंगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त एक लाइव एक्सटेम्पोर चल रही थी। मेरा मतलब कहने का ये था कि उसके साथ आप बहुत नरम सुलूक करते हैं, जैसे कि कोई दवाई के साथ करते हैं। भाई बात तो सुन रहे। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे मुंह से ऐसे लफ्ज निकल गए हैं जो कि गलत थे और आपको ये एहसास हुआ है कि मैंने आपको ऐसी कोई बात कर दी है जिसमें आपका किसी किस्म का इस्तेकाक या इज्जत मजरू हुई है, तो मैं बरमला आप सब दोस्तों से, मेरा एक बड़ा रिकॉर्ड है, 25 साल मुझे सियासत में हो गए, कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया। तो अगर ये इस तरह से कोई गलती मेरे से हुई है तो मैं बरमला आप सबसे तहरीरी माफी मांगता हूँ।